क्योंकि पाकिस्तान से नियरेस्ट स्टेशन दुबई है, तो हमारे बच्चे नॉर्मली दुबई जाके वो ग्रेजुएशन सेरेमनी प्रॉपर अटेंड करते हैं इसकी। लेकिन कभी कभार अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो ये पाकिस्तान में भी कंडक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट। तो एक तो इसकी वर्थ है, नंबर टू बच्चे ने कहा कि आप जब वर्थ की बात कर रहे हैं तो क्या दुनिया में हर बैचलर्स की वर्थ नहीं होती, दुनिया में हर बैचलर्स की वर्थ नहीं होती? नहीं। दलील दूं, बहुत सुना, कराची यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? हाँ सुना है। कराची यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम करो और सुने, कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम करो और उसी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आईबीए, वहां जाके मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, फॉर्म ही नहीं देंगे। उसी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आईबीए है, आप उनसे अप्लाई करें तो वो फॉर्म ही नहीं देंगे। तो इसका मतलब दुनिया भर में हर बैचलर्स रिकॉग्नाइज नहीं है, हर बैचलर्स रिकॉग्नाइज नहीं। सर ये किस हद तक रिकॉग्नाइज है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने शायद एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना हो, एलएसई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो पूरा एसएससी नहीं करते, चाहे एसएससी फुल करने की नीड भी नहीं है, अभी मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ ये दो पार्ट किए, ये डिग्री क्लेम की, और दुनिया में कहीं से भी आपने मास्टर्स करना है आप कर लो, पूरी दुनिया में कहीं से भी मास्टर्स करना है आप कर लो। मैंने एलएसई की एग्जांपल दे दी है कि बहुत रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, तो वहां से भी बच्चे मास्टर्स कर रहे होते हैं आफ्टर दिस। अब मैं यहां रुककर स्मार्ट रूट थोड़ा सा प्रूफ करने लगा हूं, जरा यहां देखें। अगर इस रूट के थ्रू आपको बैचलर्स करना होता तो कितने साल लगते हैं? 4 इयर्स, बहुत से देखें नॉर्मल रूट से बैचलर्स कितने साल लगते हैं, और अगर आप इस रूट के थ्रू कर रहे हैं और वो लेवल्स वाले हैं तो 1+1.5 2.5 इयर्स के बाद आपको ये मिल जाएगा, और ए लेवल्स वाले हैं तो और कम टाइम में 2 साल में मिल जाएगा। तो बताएं यहां से बैचलर्स कितने साल में हो रहे हैं, और यहां से आप बैचलर्स कर सकते हैं 2 इयर्स और 2.5 इयर्स में, तो यहां सीधा सीधा 1.5 इयर्स से हो गया। तो ये एक बहुत रूटीन रूट है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरा एसएससी नहीं करते। मैं भी बोलता हूं ना करो भाई, आप सिर्फ ये डिग्री क्लेम करें और उसके बाद आपने दुनिया में कहीं से भी मास्टर्स करना है आप कर सकते हैं, अपना टाइम सेव करके, टाइम और कॉस्ट ये भी साबित करो, कॉस्ट भी बनती है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे पूरा एसएससी करना है, मैंने कहा ठीक है एक राउंड और रह गया। एसएससी में टोटल 3 लेवल्स हैं, पहला लेवल क्या था फाउंडेशन, पहला क्या था सेकंड स्किल्स, और थर्ड और आखिरी लेवल है प्रोफेशनल लेवल। क्या लेवल है सर? प्रोफेशनल लेवल में कितना पेपर्स हैं? 4 पेपर्स हैं, 4 पेपर्स हैं। सर इसमें कितना टाइम लगता है? अगर कोई बहुत मोटिवेटेड बंदा हो 1 साल में कर लेता है, 1 साल में आराम से कर लेता है, लेकिन मेरे जैसा आपके जैसा आदमी जिसकी सोशल लाइफ है, जो हर तरह की तफरी में भी इन्वॉल्व है, तो उसको कितना टाइम लगता है? तो आप 1.5 ही कितना, 1.5 इसलिए लिखा है मैंने ताकि रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, ठीक है, ताकि आपको बाद में बहुत बड़ा वेरियंस ना आए। वेरियंस का मतलब क्या है? सोचा कुछ और हुआ कुछ, द डिफरेंस इज वेरियंस, द डिफरेंस इज। तो आप एक ऐसा प्लान बनाओ कि जो कि अचीवेबल हो। अब Once you have completed professional level, आपकी ACC की education complete हो गया, papers clear हो गए, ऐसे बच्चे को बोलते हैं ACC affiliate, जिसके सारे ACC के जो papers हैं वो clear हो गए, उसको क्या कहते हैं? ACC affiliate, right? अब अगला मरहला है, बहुत अहम मरहला है, उसका नाम है membership। क्या नाम है? अब आपने ACC का member बनना है, member means आपके नाम के आगे ACC लिखा जाएगा, आपके नाम के आगे ACC लिखा जाएगा। तो सर member बनने के लिए क्या condition है? 3 years practical experience, 3 years। बच्चे ये क्या चीज आ गई? फौरन उसने हैरान और परेशान से बोला, आपको हाउस जॉब करनी पड़ती है, बड़े डॉक्टर्स के साथ देखें 2-3 जूनियर्स होते हैं और वो सिखा रहा होता है उनको, ऐसा ही है। तो वो हाउस जॉब जिंदा इंसानों पे, आपको एक्सपेरिमेंट जिंदा इंसानों के साथ डिस्कशन करके आप सीखते हो, समझ रहे हैं बात को? इसी तरह सिर्फ हमसे पढ़कर या किसी से भी पढ़कर या ACCA के पेपर्स क्लियर करके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। अब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, आपने रियल लाइफ में ऑडिट फर्म में काम करना है या किसी कंपनी में इंडस्ट्री में काम करना है, तब जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। तो बच्चे ने यहाँ पे एक और चीज बोली, बच्चे ने कहा भाई आपने तो कहा था स्मार्ट रूट बहुत अच्छा है, टाइम बचेगा, हम आपको एक चीज बताते हैं। मैंने कहा बताओ। बोला सर यहाँ 1 साल ये लगा दिया, 1.5 ये और 1.5 ये, करीब 4 साल ये लग गए, 4 साल ये लग गए, फिर आप क्या कह रहे हैं? तो 4+3 कितना हुआ? बोला यार ये तो स्मार्टनेस नहीं है। मैंने कहा एक मिनट पूरी बात को सुन लो, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने एसीसीए कंप्लीट करने के बाद थोड़ी लेना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एसीसीए लेना है। यानी क्या मतलब? आप जब स्किल्स मॉड्यूल में होंगे ना तभी आप काम पे लग जाएंगे, तभी आप काम पे लग जाएंगे और आप पढ़ेंगे भी और साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेंगे। तो ऐसा हरगिज नहीं करना, ऐसा हरगिज नहीं करना कि आप पहले पूरी एजुकेशन कंप्लीट करो। इसके लिए मैं बहुत सख्त अगेंस्ट हूँ, मैंने पहले ही इसकी नफी कर दी है, आपने साथ साथ दोनों सफर को लेके चलना है। अब एंडिंग पॉइंट्स, वंस यू बिकम एसीसीए मेंबर, आप एसीसीए मेंबर बन के वेरी नेक्स्ट डे आपको क्या मिलेगा?
वेरी नेक्स्ट डे आपको मिलेगा एमकॉम पाकिस्तान की इक्विवेलेंसी, एमकॉम पाकिस्तान की इक्विवेलेंसी। इसको आसान आप सुन सकते हैं। सवाल ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एसीसीए को किसके बराबर मानती है, तो वो मास्टर्स के इक्विवेलेंट मानती है। किसके इक्विवेलेंट मानती है? अच्छा, वो एसीसीए को भी यही मानती है और आईकैप की, जो पाकिस्तान के आईकैप की चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, उसको भी एमकॉम की इक्विवेलेंसी देती है। इनको भी देती है, उनको भी देती है, राइट। तो जिस दिन आपने एसीसीए किया उसी दिन, अब इतना फास्ट निजाम है कि वो ऑनलाइन आप अपनी सर्टिफिकेट उसी को प्रिंट करके निकाल सकते हैं, एमकॉम वेरी नेक्स्ट डे मिल जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आखिरी चीज है और दिस इज ऑप्शनल, ये फर्ज नहीं, ऑप्शनल है, MSc from University of London, ये एक ऑप्शन है कि जो बच्चे ने भी एसएससी कर लिया वो अगर चाहे तो यहाँ बैठे बैठे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के थ्रू मास्टर्स कर सकता है। 6 महीने 8 महीने में 2 पेपर्स देने होते हैं और 1 थीसिस लिखनी होती है। तो बच्चे ने कहा कि सर इस मास्टर्स की ज्यादा वर्थ है या इस यूनिवर्सिटी की? असल वर्थ इस यूनिवर्सिटी की है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन लिखेंगे ना, तो ये दुनिया की ऑलमोस्ट टॉप 5 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आती है। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी, और से सुनिएगा, कि दुनिया के करीब कोई 50 बड़े प्रेसिडेंट से जिन्होंने यहाँ से पढ़ा है, आप उसको सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगी पूरी लिस्ट, जिसमें एक नाम बहुत मशहूर है, हम सब जानते हैं, साउथ अफ्रीका के एक लीडर थे नेल्सन मंडेला। हाँ, तो वो भी इसी यूनिवर्सिटी से, इसी यूनिवर्सिटी का अलमना है। तो ये भी आप ले सकते हैं लाइक 6 to 8 months, बट दिस इज ऑप्शनल, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, ये आपकी खुशी होती है, राइट। अब मैं कंपैरिजन शुरू कर रहा हूँ, दिन के काउंटिंग करके बात करता हूँ। सुनिए, इस रूट में कितना टाइम लग रहा था? 6 years, और 6 years में आपको मिल रहा था एक बैचलर्स और एक मास्टर्स, वो भी लोकल। अब सुने आप, इस रूट में आपको इस रूट का टाइम कितने, 1 year, 1.5 कितने हो गए, 4 साल हो गए, और ये 6 to 8 months अगर मैं गिनूं तो ये होते हैं 4.5, आप इसको 4.5 to 5 years गिन लें। अब जरा काउंट करते हैं, इस 4.5 to 5 years में आपको क्या क्या मिल रहा है। इसमें आपको एक यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2 आपको इसमें मिल रहा है, नंबर 2 आपको इसमें मिल रहा है एक बैचलर्स मिल रहा है, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स फ्रॉम यूके, राइट। एक मास्टर्स मिल रहा है यूके से, और एमकॉम पाकिस्तान की इक्विवेलेंसी भी मिल रही है, एमकॉम पाकिस्तान की इक्विवेलेंसी भी। ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं जस्ट 4.5 to 5 years। तो कंपैरेटिवली स्मार्टनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपका टाइम बच रहा है, इसमें आपका टाइम बच रहा है। बच्चे ने कहा सिर्फ टाइम नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आप बात करें, खुल के बात करें। सुने, एक फैक्टर है जिसका नाम है कॉस्ट। क्या नाम है? और वो मुझे जरूर लाजमी इस पर तो बात करनी है ना, उसके बगैर तो बात ही पूरी नहीं होती, यानी वो तो हमारे डिसीजन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो रखता है। सुनिए, देखिए, अच्छा, जो मैं नंबर्स आपके साथ कोट कर रहा हूँ, ये नंबर्स मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, बल्कि एसीसीए पाकिस्तान के हेड हमारे इंस्टीट्यूट पर आए थे, उन्होंने ये नंबर शेयर किए थे, तो मैं उनके साथ जो नंबर्स थे वही शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज, वो नंबर जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं साथ में वर्ड यूज कर रहा हूँ अप्रॉक्स, यानी उसमें प्लस माइनस 10% की गुंजाइश रखिएगा माइंड, ठीक है, अप्रॉक्स नंबर। और मैं जिस करेंसी में वो नंबर कोट कर रहा हूँ वो यूएस डॉलर से, राइट। अगर आप ये वाला रूल और से देखें आप, प्लीज, ये रूल अगर आप करते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ कौन कौन सी आती है, आई डी आ गई, लम्स आ गई, या के एस बी ए, जो मैंने अभी बताया, ये फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी है, तो ये खर्चा अराउंड 18 to 20,000 USD के करीब खर्चा है इस पूरे जर्नी का, 80 to 20K USD का ये पूरा सफर है, ठीक है, राइट। अगर यही जर्नी आपने कहा नहीं, आपने फर्स्ट ईयर से निकलनी, मुझे जाना है सेकंड ईयर में, मेरे ख्याल से ये CVM है और ICRA है और ये यूनिवर्सिटी आ जाती है, तो ये खर्चा कितना होता है, आधा हो जाता है, ये अराउंड 9,000 to 10,000 USD के करीब बन जाता है, राइट। इतना खर्चा बन जाता है फर्स्ट ईयर का, कितना है, 18 to 20,000 USD पूरे जर्नी की बात कर रहा हूँ। सेकंड ईयर का कितना है, हाफ हो जाता है। और ACCA का जो एक्सपेंडिचर है ना, ACCA का वो है अराउंड 4.5K USD to 5K USD, यानी इस सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी से भी आधा खर्चा होता है, इस सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी से भी आधा खर्चा होता है, राइट। अच्छा, ये सारी चीजें आप रिसर्च कर सकते हैं, सब आपको अवेलेबल होगा। अब यहाँ पर एक और सवाल है, एक नॉर्मल सवाल है, मैं इसके जवाब देना चाहूंगा, ध्यान में होता है। देखिए, ACCA यूके बेस्ड, जैसे आप लोग सिलेबस कर रहे हैं ना, ये उसी का कनेक्शन है, यानी आपको यूके बेस्ड की आदत है, आप लोग भी यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, इस वक्त वो लेवल तो रहे लेवल, वो भी कैबिनेट भी यूके बेस्ड की है, और सुनना, तो आपको पता है इन यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन में दो तरह की फीसेज होती है, एक होती है ट्यूशन फीस, ये जो आपको स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं इसकी फीस होगी, एक ट्यूशन फीस होती है, और एक क्या होती है, एग्जाम फीस, ट्यूशन फीस और एक
एसी से मिटी यही है, एक वो फीस होगी जो टीचिंग की फीस होगी, जो जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे वो टीचर आपसे चार्ज कर रहा होगा। नंबर टू एक होगी एग्जाम फीस, एक क्या होगी एग्जाम फीस, ट्यूशन फीस ऑब्वियसली टीचर आपसे होगी, इसमें होगी हमारी अपनी करेंसी में, लेकिन हाँ एग्जाम फीस आपने वहां देनी है तो वो पाउंड्स में होगी, उसमें होगी पाउंड्स में। तो अब बच्चे का ये सवाल है, सवाल है तो एड्रेस करना ही है, वो ये है कि सर एक्सचेंज रेट हम देख रहे हैं पिछले दो तीन साल से फ्री फॉल चल रहा है, एक्सचेंज रेट बहुत तेज जा रहा है आपके सामने, यानी मैंने अभी कहा ना 250, ये तो शुक्र है लास्ट वीक यूके की पढ़ाई हुई, यानी यूके की करेंसी अच्छी खासी गिरी है लास्ट वीक, क्योंकि उनके जो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुई है उन्होंने कुछ गलत पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, तो उस वजह से उनकी करेंसी डाउन हुई है, वरना ये पाउंड 270-275 तक आ चुका था, अब आ गया 250 में। और सुने तो बच्चा कहता है कि यार ये जो ACCA में जो एग्जाम फीस है ये एक्सचेंज रेट की वजह से बहुत बढ़ रही है, तो इसका हमारे पर बहुत बर्डन आएगा। तो पहले तो मैंने आपको जवाब दे दिया, कंपैरिजन करा दिया, इसके अंदर एग्जाम फीस भी इंक्लूडेड है। सेकंड मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि ओ लेवल्स की, ए लेवल्स की और ACCA की, चाहे ओ लेवल्स बढ़ा दें, ACCA की एग्जाम फीस बढ़ती है एक्सचेंज रेट के चेंज होने से, एग्री। लेकिन याद रखना जब हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ता है, हमारी करेंसी की वैल्यू होती है ना, तो हमारा मुल्क इम्पोर्ट बेस्ड मुल्क है, मानते हमारा मुल्क कौन सा मुल्क है, तो हमारे मुल्क में जब एक्सचेंज रेट वाला मसला आता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, हमारा ऑयल इम्पोर्ट है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी उससे महंगी होती है, हर चीज महंगी होती है, तो जब हर चीज महंगी होती है तो मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती है, और इन्फ्लेशन के साथ साथ हर चीज की प्राइस बढ़ती है, तो इनकी प्राइस भी फौरन से बढ़ जाती है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये महंगा होता है, ये फौरन से उसके साथ साथ ये लोग भी अपनी वैल्यूएशन चेंज करते हैं। तो आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं ना इन दोनों के बीच में, तो अगर इसकी एग्जाम फीस का एलिमेंट बढ़ता है तो ये एलिमेंट भी बढ़ जाता है, ये एलिमेंट भी बढ़ जाता है, राइट। अब मैंने एक वर्ड यूज किया स्मार्टनेस, पहला वर्ड क्या यूज किया मैं इसी से के लिए एक और वर्ड यूज कर रहा हूँ जिसकी आला मिसाल ये बैठे, और मैं इनके साथ भी कनेक्ट कर दूंगा कि ACCA का दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है, इट्स अ फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन, इट्स अ फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन, ACCA एक फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन है, फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन है। बच्चे ने कहा कैसे, मैंने कहा मैं कुछ मिसालें देता हूँ। एक बच्चे ने यहाँ से ACCA स्टार्ट किया, राइट, एक साल पढ़ा और अब उसने उसको उम्रा करने जाना है, मैंने कहा जाओ और वहीं पेपर दे देना, उम्रा करने पर वहाँ उम्रा भी कर लेना और पेपर भी दे देना, उसको सिंगापुर जाना है वहाँ पे, मैंने खुद एक दो पेपर सिंगापुर में दिए, दे सकते हो आप जहाँ देना है दे सकते हो, एग्जाम सेंटर इसके ये मोर देन 100 कंट्रीज में, मोर देन, तो आपने जहाँ जाके पेपर देना है दे सकते हो, इट्स टोटली फ्लेक्सिबल, सिर्फ आपने एग्जाम सेंटर चेंज करना होता है, पूरी दुनिया में एग्जाम फीस सेम। सेकेंड ये अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, नहीं इसके बाद एक बच्चे ने यहाँ से इसी से स्टार्ट किया, एक साल पढ़ लिया या डेढ़ साल पढ़ लिया, ठीक है, वो यहाँ पहुंच गया स्किल्स मॉड्यूल में, अब अचानक से उसकी फैमिली ने कहा कि हमें शिफ्ट होना है, हमें किसी और मुल्क में शिफ्ट होना है, हमें कनाडा जाना है, हमें सऊदी अरब जाना है, हमें यूएई जाना है, जहाँ जाना है जाए, आपने जितना ACCA यहाँ से किया वो सब काउंट हो गया और रिमेनिंग ACCA आप वहाँ जाके कर लेना, क्योंकि ACCA में बहुत सुने हर वक्त आपका ताल्लुक यूके से, आपका ताल्लुक हमसे नहीं है, किसी एक इंस्टीट्यूट से नहीं है, बल्कि आपके किस बॉडी से ACCA यूके से आपका लिंक है और वो 100 प्लस कंट्रीज में, तो आप दुनिया में कहीं भी जाएं वहाँ अपना ACCA साथ लेके जाएं। जबकि अगर आप किसी लोकल यूनिवर्सिटी से कर रहे होंगे तो जरूरी है उस लोकल यूनिवर्सिटी के क्रेडिट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो, ये एक छोटा सा इशू आता है। अब तीसरी चीज जो मैं बता रहा हूँ ये वैसे तो आप सबके लिए, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, क्योंकि मैंने अपने लास्ट 17-18 साल के करियर में बहुत बार देखा है कि गर्ल्स पर ये चीज बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। अब एक खातून ने यहाँ ACCA स्टार्ट किया, ठीक है, एक साल या डेढ़ साल उसने पढ़ लिया, एक साल या डेढ़ साल उसने पढ़ लिया, अब अल्लाह की शान उसकी शादी हो गई, अच्छी बात है। अब हमारे माशरे की तरतीब ऐसी है कुछ कि शादी के बाद लड़की पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है ससुराल वाले जालिम हैं, सुबह करो पानी कर देना, एक माशरे की तरतीब है, उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी है कि थोड़ा लड़कियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं उस खातून को बोलूंगा बेटा अभी आप ACCA छोड़ दो, चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल खामोश, और दो साल गुजार दो, दो साल जब गुजर जाएंगे ना तो चीजें सेटल हो जाती, चीजें क्या हो गई सेटल हो गई, अब वो खातून चाहती है मैं वापस से पढ़ना शुरू करूँ, कर सकती है, सुनना जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होगा, यानी ये एक दो साल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। सर वो शिफ्ट नहीं आ सकती ना, वो ऑनलाइन पढ़ सकती है, वो ऑनलाइन जरीन की तरह ऑनलाइन पढ़ ले, वो ऑनलाइन पढ़ सकती है, दुनिया के जिस टीचर से पढ़ना पड़े, पाकिस्तान के नहीं, बांग्लादेश के, यूके के, दुनिया के हर टीचर इसमें ऑनलाइन पढ़ा रहे, तो आप एक क्लिक पर अपने मन चाहे टाइम पे बैठ के पढ़ सकती है। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज इसके अंदर है। अच्छा, इससे भी अहम बात,
अगर कभी आपने ACCA का लोगो देखा हो तो ACCA के जो लोगो है उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है थिंक अहेड। क्या लिखा हुआ है? थिंक अहेड। थिंक अहेड का मतलब, थिंक अहेड का मतलब ACCA फ्यूचरिस्टिक क्वालिफिकेशन है, यानी फ्यूचर को देख के चलता है। यानी दुनिया में कोई भी चेंज आ रहा होता है ना, ये इसको आपकी क्वालिफिकेशन में पहले से इनकॉर्पोरेट कर देता है। पहले से क्या कर देता है? इनकॉर्पोरेट कर देता है। मैं एक दो बातें कर रहा हूं, सिर्फ टाइम है, नोट कर रहे हैं आप लोग, जल्दी तो नहीं है बहुत, थोड़ा का बहुत सारे काम की होंगी, मैं इरेलेवेंट कोशिश करके इरेलेवेंट नहीं काम की होंगी। आपको पता है कि मेरे लिए, आपके लिए और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कोविड वॉज द फर्स्ट टाइम। हमने पहले पेंडेमिक नहीं देखा था, हम तो हैरान हो गए थे, पेंडेमिक क्या चीज थी, क्या बला अचानक से आ गई थी, ऐसा ही है। लेकिन हमारे जो ACCA पाकिस्तान के हेड है ना, वो ये बड़े स्ट्राइक से उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, उन्होंने कहा दिस पेंडेमिक वॉज सेकेंड टाइम फॉर ACCA। एक सेकेंड, ACCA दुनिया में स्टार्ट हुआ था 1904 में, कब स्टार्ट हुआ? और अगर आप लोगों ने अभी जब कोविड आया था तो इतने प्रोग्राम्स आ रहे थे टीवी पे और इतनी मीडिया पे आ रहा था कि दुनिया में एक पेंडेमिक से पहले आ चुका है 1918 में और 1920 में, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे, याद है? तो ACCA कब से स्टार्ट हुआ है? 1904 में। तो वो कह रहे थे कि बोला दिस पेंडेमिक वॉज द सेकेंड टाइम फॉर ACCA। अच्छा मैं यहाँ एक और बात करूंगा, रुकिएगा, आप लोगों को याद होगा कि 2020 में आया था कोविड और उसके स्टार्टिंग के जो मार्च अप्रैल मई, ये कैसे मंथ थे? खतरनाक मंथ थे, पूरी दुनिया में टोटल सन्नाटा, बड़ी बड़ी दुनिया की स्ट्रीट जहाँ चलने की जगह नहीं थी, वो सन्नाटा हो गया था, ऐसा ही था। हाँ जी, उस वक्त चाहे वो लेवल्स हो, मुझे पूरा याद है, इतनी याद है तो आपकी भी है, चाहे ए लेवल्स हो, इंटरमीडिएट हो, सबने अपने पेपर कैंसिल कर दिए थे, यही था एक्सपेक्टेड ग्रेड्स और पता नहीं क्या क्या हुआ था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जाके रिसर्च कर लें, ACCA ने एक बच्चे को भी एक्सपेक्टेड ग्रेड पे पास किया और एक बार भी पेपर्स माफ ही नहीं हुए। उन्होंने कौन से कैसे छपवाए बताओ? उन्होंने कहा रिमोट एग्जाम्स, घर बैठ के पेपर होगा, घर बैठ के पेपर होगा और एक प्रॉक्टर होगा जो आपको वहां से वॉच कर रहा होगा। उस रूम की स्पेसिफिकेशंस थी कि उस रूम में लाइट्स इस लेवल की होनी चाहिए, फैन ऑफ होना चाहिए, कंप्यूटर इस लेवल का होना चाहिए, इंटरनेट इस लेवल का होना चाहिए। और हजारों बच्चों ने पेपर दिए, हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, वो बच्चे पढ़ रहे थे और पेपर भी दे रहे थे और आगे भी पढ़ रहे थे, यानी इस हद तक उन्होंने ये चीज इंप्लीमेंट की थी। और उसके बाद ये रिमोट एग्जाम इतने फेमस हो गए कि अब पाकिस्तान में अब सेंटर बेस दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ना, तो इंडिया में बच्चे रिमोट पे ही आ गए, वो घर बैठ के ही देते हैं। अच्छा, रिमोट बेस ACCA के लिए भी अच्छा है, ACCA की कॉस्ट बचती है, पूरा एग्जाम सेंटर अरेंज करना ये सब चीजें बहुत बड़ी कॉस्ट है, तो अब रिमोट बेस पे ये ACCA ने उस टाइम शिफ्टिंग की थी। सेकंड एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखिए आप लोग चाहे वो लेवल्स कर रहे हो, ए लेवल्स कर रहे हो, इंटरमीडिएट कुछ भी कर रहे हो, आप लोग जो अपना पेपर देते हो कैसे, किस तरह एग्जाम देते हो? पेपर एंड पेन, पेपर एंड पेपर पेन पे देते हो ना। लेकिन हमारा ACCA टॉप टू बॉटम, पहले पेपर से लेकर आखिरी पेपर तक टोटल कंप्यूटर बेस्ड, टोटल कंप्यूटर बेस्ड पेपर पेन का सवाल ही नहीं है। तो बच्चे ने कहा ऐसा क्यों है? मैंने कहा जवाब दे रहा हूं, सुने, आप जब रियल लाइफ का अकाउंटिंग किसी भी कंपनी में जॉब करने जाएंगे ना, दुनिया का जो सबसे छोटा इदारा होगा ना, इतना सा, चाहे ट्यूशन सेंटर भी छोटा था, वो पेपर और पेन पे कोई अकाउंटिंग नहीं करता, सब एक्सेल पे काम करते हैं, एक्सेल पे और सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, ऐसा ही है, राइट? तो अब पहले क्या होता था कि जब ACCA के स्टूडेंट्स मार्केट में जाते थे ना, तो उनको पहले कंपनी 2-3 महीने की ट्रेनिंग देती थी IT की कि भाई आप ये सीखें, लेकिन अब वो ट्रेनिंग की नहीं थी क्योंकि अब हमारे एग्जामिनेशन का मोड ही ऐसा है कि बच्चा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पहले ही सीख जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पहले ही सीख जाता है। तो मैंने फिर बोला कि ACCA के नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ, अब जरा जाते हैं, जितना भी सुन लिया अब जाते हैं प्लीज। ACCA हमें लोकल लेवल पे तैयार नहीं कर रहा है, ये पहले जहन में डाल लिया कि ग्लोबल लेवल पे तैयार कर रहा है, और अब दिस इज द नीड ऑफ टाइम, इसको मान लें, दुनिया वैसे भी ग्लोबलाइजेशन पे थी लेकिन अब तो इतनी है कि आप गुजारा ही नहीं सकता, वो आपको ग्लोबल लेवल पे तैयार कर रहा है। अच्छा, आप अगर चाहते हैं कि आप लोकल लेवल पे तैयार हो तो आप इंटरनेशनली कहीं भी नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पूरी स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान का, कंप्लीट स्टॉक एक्सचेंज जिसमें सारी लिस्टेड कंपनी है, वो टोटल वर्थ उस पूरी की कितनी होगी? होगा, और आज से दो साल पहले 37 बिलियन डॉलर्स की थी, जब डॉलर का रेट थोड़ा अच्छा था, अब तो और डॉलर हमारी करेंसी और डिवैल्यू हुई। आप एक जहन पे समझ लें कि पूरी स्टॉक मार्केट हमारी 34 बिलियन डॉलर्स की होगी, पूरी स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की, किसी ने खरीदी है 34 बिलियन डॉलर तो पूरी रख लो, और यूनाइटेड स्टेट्स की एक छोटी
बच्चा कंपनी ट्विटर, ट्विटर की कुछ भी औकात नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है यूएस में, वो अभी वो एलन मस्क खरीद रहा था $44 बिलियन की, यानी वो उसकी इतनी सी कंपनी है वो कितने की है, और हमारा पूरा स्टॉक एक्सचेंज कितने का है $34-37 बिलियन। तो आप एक बात सोचें, एक बात, यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकती कुछ। अच्छा, आपको कितनी जगह यहाँ बिजनेस स्टडीज और ये सब पढ़ रहे हैं, कितनी स्ट्रेटेजीज है जो यहाँ इस मार्केट में इंप्लीमेंट भी नहीं हो सकती, यही कहते हैं। तो आपने अगर कुछ सीखना है तो ग्लोबल लेवल पर ही सीखना है, ग्लोबल लेवल पर ही सीखना है। बच्चे ने कहा और दलील है यार ग्लोबलाइजेशन की, क्यों हमें ग्लोबल लेवल के लिए रेडी होना है। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त कितने बच्चे ऐसे हैं, ये बहुत रूटीन काम शुरू हो गया, यहाँ से बैठे बैठे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड सर्विसेज देने के लिए ग्लोबल नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। और एग्जांपल देता हूँ, सुनना, होश में रहना। मार्च 2020 पूरी दुनिया लॉकडाउन हुई, यस, यूनाइटेड स्टेट भी लॉकडाउन हुआ था, इवन न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर जो कि धुआंधार रात के 12-1 बजे पूरी रात ऑन रहता है, वो भी सन्नाटा हो गया था, राइट। और यूएस के अंदर न्यूयॉर्क में तो बहुत एक्सट्रीम कोविड आया था, बहुत ज्यादा आया था, हम लोग सब न्यूज में देखते रहे। अच्छा, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की तरतीब देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ एरियाज बहुत महंगे हैं, जैसे न्यूयॉर्क एक्सट्रीम महंगा, एक दिन के रहने में बंदे के आंसू निकल जाते हैं। कैलिफोर्निया बहुत महंगा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में टेक्सस सस्ती जगह है, टेक्सस कंपैरेटिवली बहुत सस्ती जगह है। अब न्यूयॉर्क जब बहुत महंगा है ना, कि वहाँ एक दिन होटल में रहना भी बहुत महंगा है, तो वहाँ के वेज रेट भी हाई है, यानी वहाँ अगर कोई जॉब करता है तो उसकी सैलरीज भी बहुत हाई होती है, बात समझ गया। अब हुआ क्या, जब न्यूयॉर्क में लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने उसी वक्त अनाउंस किया वर्क फ्रॉम होम। तो अब न्यूयॉर्क वाले, अब न्यूयॉर्क में जो कंपनीज थी बड़ी बड़ी, वो अपने एम्प्लॉइज को कैंपस पे नहीं बुला रही थी, बोला घर बैठ के काम करो। तो उन्होंने एक बात सोची, बोले यार हम इतनी और 2 साल के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया वर्क फ्रॉम होम, बल्कि 2 साल के अभी तक है। अभी मैं 20 दिन पहले वहां से आया हूँ, तो मैंने डिफरेंट जगहों पर विजिट किया और मेरे स्टूडेंट्स थे वहाँ, तो स्टूडेंट्स से मुझे लिटरली ये बात बोली, बोला 3 साल से यहाँ फॉर्म है, ये मैं सैन फ्रांसिस्को की बात कर रहा हूँ, बोला सर मैं 3 साल से पीडब्ल्यूसी में हूँ, 3 साल से 5 बार सिर्फ मैं गया हूँ कंपनी, 5 बार बोला फिजिकल विजिट किया, बोला टोटल ये वर्क फ्रॉम होम हो गई है, टोटल वर्क फ्रॉम होम हो गई है, बल्कि उन्होंने अपने प्रीमिसेस बंद कर दिए, अपने रेंट कॉस्ट बचा रहे, ये तो पूरी दुनिया में हो गई है, पाकिस्तान में बहुत हो गया है। तो न्यूयॉर्क वाले ने कहा कि जब लोग घर से ही बैठ के काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय तो फिजिकली प्रीमिसेस तो आ नहीं रहे, तो हम न्यूयॉर्क के बंदे क्यों हायर करें इतने महंगे, हम न्यूयॉर्क में बैठ के टेक्सस से एम्प्लॉयज उठा लेते हैं, टेक्सस सस्ता है। तो जब उन्होंने सोचा कि हम टेक्सस से उठा लें, तो उन्होंने कहा हम ऐसा क्यों ना करें कि इंडिया और पाकिस्तान से उठा लें, वहां तो 25-50 हजार का स्वागत हो जाते लोग। तो इसका उस टाइम पे एक बहुत बड़ी हायरिंग हुई बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज से। तो भाई इन कंट्रीज से हायरिंग तभी होगी और सुने, जब यहाँ के उन बच्चों को हायर करेंगे जिनके पास ग्लोबल नॉलेज होगी, क्या होगी ग्लोबल नॉलेज होगी। अब बच्चे ने कहा कोई प्रैक्टिकल तो बता दो कि क्या ऐसी नीड है। सुने, मैं एजुकेशन की एग्जांपल ही नहीं दे रहा, एजुकेशन तो बहुत ही अहम चीज है, जो आप ये पढ़ोगे ये तो एक अलग नेक्स्ट लेवल चीज है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि आपको उस मुल्क की जनरल नॉलेज कितनी होनी चाहिए। रियल एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि आप वो एग्जाम्पल दूंगा कि जिसमें आप समझ सके, जो मेरे साथ हुई है समझिए। हमारे एक अंकल है और वो ह्यूस्टन में होते हैं, और अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, उनके वहाँ 500 स्टोर है अमेरिका में, 500 स्टोर है, यानी पाकिस्तान में भी कोई ऐसा बंदा शायद नहीं मिलेगा जिसके 500 स्टोर है, यानी उनकी उन्होंने मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइज ली हुई है और 500 स्टोर है। अब जरा एक बात सोचिए, 500 स्टोर अगर आपके हों तो आप फिजिकली क्या उसमें बैठ सकते हैं? तो आप करते क्या है, वो उन 500 स्टोर को उन्होंने बना दिया और वहाँ कैमराज लगे थे, और वो उन कैमरा से लोग बैठ के सर्वेलियंस करते हैं, चेक करते रहते हैं। लेकिन अंकल इतने उस्ताद हैं कि उन्होंने कराची के अंदर एक पूरी बिल्डिंग खरीदी हुई है, और उन कैमरास को जो अमेरिका में स्टोर है ना, उनके कैमरास को वॉच करते हैं पाकिस्तानी बच्चे। एक पूरी बिल्डिंग है यहाँ कराची के एरिया में। अच्छा, अमेरिका में जब दिन होता है उनके स्टोर वहाँ दिन में होते हैं, तो यहाँ क्या होती है रात। तो वो बच्चे यहाँ जो पाकिस्तान में उस बिल्डिंग में बच्चे जॉब करते हैं, मेरे अपने कितने स्टूडेंट्स भी वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वो रात के टाइम जॉब करते हैं, और हाँ अंकल थोड़ी सैलरी ज्यादा देते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान की सैलरी तो बहुत ही कम होगी ना। तो अब अंकल का मॉडल क्या है, जरा सोचें, कमाते किसमें, डॉलर्स, सैलरीज किस पे देते हैं, ठीक है, सैलरीज भी क्या था, तो सुन लें किस लेवल का प्रॉफिट होता होगा। अच्छा आप सुने, काम बहुत बड़ा है, 500 स्टोर है ना, तो उन्होंने कुछ ऑफिस अमेरिका में बनाई, अमेरिका का लॉ है कि कुछ ऑफिस आपको यूएस में रखनी है, लेकिन मेजर एम्प्लॉयज उन्होंने कहा रखे, पाकिस्तान में रखे। अब सुने, अक्सर क्या होता है,
यहाँ से पाकिस्तानी बच्चे, अच्छा उनकी यूएस वाली ऑफिस में जो मेरे बड़े भाई हैं सर सुबह, उन्होंने कुछ महीने काम किए, तो वो मुझे ये बातें बताते रहते थे, अक्सर बताते रहते थे कि मुझे ऐसी वो खुद मेरी रोज तरबियत करते हैं, रोज मुझे एक कॉल आती है, उसमें मुझे आधा घंटा उनकी बात सुननी होती है, बड़े भाई हैं तो सुनता हूँ और सिखाते भी होते हैं। तो मुझे कहते थे, बोला यहाँ पाकिस्तानी बच्चे कई बार क्या करते हैं, तो यूएस के ऑफिस से डील करते वक्त बोला वो अक्सर नाम के आगे लगाते हैं भाई, जॉन भाई। तो वो गोरा कहता है भाई ये क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। आप सोचे क्या उनके कल्चर में इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, उनके कल्चर में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उनके लिए, उनके लिए कुछ भी नहीं भाई, उनके लिए कुछ भी नहीं है ये। इसी तरह एक बार क्या हुआ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, कल्चरल डिफरेंसेस कितने जरूरी है, हमें इन चीजों की ये मस्ट है। एक बार उनका कोई स्टोर था, तो वहां कोई लेडी जॉब कर रही थी, तो उसका कोई हस्बैंड आया होगा या कोई, तो उसने उनके कल्चर में है कि वो लोग हग करते हैं, दिस इज नॉर्मल, वहां की एनवायरनमेंट में दिस इज वेरी नॉर्मल, जैसे हम सलाम कर रहे हैं, मैं तो सलाम कर रहा हूं, नॉर्मल है। यहां से उस बच्चे ने रेड फ्लैग रेज कर दिया और लिखा क्या होगा, इन एप्रोप्रिएट एक्टिविटी। अब जनाब वाला वो लोग भी परेशान हो गए, वहां का एचआर डिपार्टमेंट बोला ये क्या हुआ, उन्होंने जाके सब कुछ रिमाइंड वगैरह किया, उन्होंने कहा ऐसे तो कुछ भी नहीं है, तो उसने कहा ये इनएप्रोप्रिएट है ना, बोला भाई क्या हो गया, बोला यार दिस कल्चर में दिस इज नॉर्मल। तो कितनी चीजें जो हमारे कल्चर, आपको कल्चरल डिफरेंसेस सीखने होते हैं। अच्छा मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, वो डस्टर देता हूं, अच्छा ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत माइनर बात है, सबको पता भी होगी। इस वक्त हम टाइम क्या हो रहा है, राइट नाउ टाइम क्या हो रहा है, 1220 हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में भी, क्या टाइम हो रहा है और एपीके में भी, इसका मतलब पूरे पाकिस्तान में एक टाइम जोन है, मैं एक ही टाइम हो रहा होता है, लेकिन अकेला यूनाइटेड स्टेट्स इतना बड़ा है कि उसमें 5-6 टाइम जोन है, यानी न्यूयॉर्क में कुछ टाइम हो रहा होता है, तो कैलिफोर्निया में कुछ टाइम हो रहा होता है, और यहाँ टेक्सास में कुछ टाइम हो रहा होता है, अलग अलग टाइम जोन है। और सुनना, अब अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि जो बच्चा यहाँ से वहाँ सर्विस दे रहा है, या जो बच्चा यूएस में अभी भी नया नया पहुंचा, ये रूटीन तकरी होती है। तो अब मैं जिस कंपनी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके 500 स्टोर्स का मतलब पूरे अमेरिका में बहुत ठीक ठाक स्टेट्स में उसका काम होगा। तो एक बार क्या हुआ, एक बच्चा सुबह 9 बजे टेक्सास के ऑफिस में गया, टेक्सास के ऑफिस में सुबह 9 बजे पहुंचा, और उसने न्यूयॉर्क वाले ऑफिस को मैसेज किया कि भाई ये रिस्पॉन्स दे दे, वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो उसने सेट को कंप्लेन लॉन्च कर दी कि वो लोग टाइम पे नहीं आ रहे। उसने कहा बेवकूफ आदमी, जब तुम्हारे यहाँ 9 बजे वहां रात के 3 बज रहे होंगे, टाइम डिफरेंस, दिस इज वेरी बेसिक बात है। अच्छा आज डेट क्या है, 1st of October, हाँ आज डेट है 1st October, कौन सा है, 10th है ना, 2022 यही है। तो हमारे यहाँ डेट्स किस तरह कॉल की जाती है, हम लोग पहले लिखते हैं डेट, फिर मंथ एंड देन ईयर। अब यही डेट यूएस में पढ़ो, वहां पहले होता है मंथ, तो ये जनवरी हुआ और ये 10th जनवरी यूएस के हिसाब से क्या डेट थी, और हमारे हिसाब से 1st October। रूटीन चलती है, रूटीन आपके जहन में ये चल रहा है, आप काम कर रहे हो बाहर, आपके बॉस ने आपको बोला, आपके बॉस ने बोला कि यार मेरा जरा ये डेट उसने लिख के दी, और उसने कहा मुझे 10th जनवरी का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, आपने उसको कौन सा अपॉइंटमेंट लेके दोगे, सोचो कितना बड़ा क्लैश होगा, कितने अजीब और गरीब हरकतें होंगी, ऐसी हरकत होंगी कि इंसान सोच, ये छोटी बातें बता रहा हूँ, अभी मैं एजुकेशन पे तो आया नहीं हूँ, एजुकेशन तो नेक्स्ट लेवल है, वो तो बहुत बड़ा फर्क है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इसी तरह एक और छोटी सी बात, छोटी बातें हैं लेकिन सीखोगे, जब आए जब मिले तो सीख ले। जो भाई एक बार उनकी किसी लॉयर से मीटिंग थी, तो लॉयर ने कहा कि आई एम एट फर्स्ट फ्लोर, ये पहुंच गए, ये फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए, उनको कॉल करें, उसने बोला यस आई एम एट फर्स्ट फ्लोर, उन्होंने कहा आई कांट सी यू, जब 10 मिनट हुए ना तो वो एकदम वो लॉयर नाराज हो गया, बोला क्या बात कर रहा हूं, तो सुभान भाई ने कहा तब मुझे एहसास हुआ एक मिनट यहां लेके कि हमारे यहां की सेटअप क्या होता है, हमारे यहां पहले ग्राउंड होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं समझ रहे बात को, छोटी सी बात है यार, नहीं पता हो तो कितना मसला होगा। अच्छा मैं आपको यहाँ एक और बात बताता हूँ,
अभी अभी अचानक से ऊपर से आई है। ये अब मैं बड़ी अब जो अकलमंद हो गए वो समझेंगे, ये गलतियां एक गोरा करेगा ना उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो वहीं का ब्लड है, उसके लिए वो वहीं के वहां। लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो हम पे बहुत जोरदार टॉर्च लगा के नजर रखी जा रही होती है कि ये गलती ना करे, तो हमसे ये गलतियां ना होगी, हमसे ये गलती नहीं है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी बेतहाशा चीजें हैं। मैं भी वक्त कम है, मैं समेट रहा हूं बात को। तो अब जरा गौर से सोचें कि क्या आप सिर्फ लोकल लेवल पे अपने आपको रेडी करना चाहते हैं ग्लोबल? तो अब बात अब असली मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं देर से तंगी बांध रहा था। ACCA में एक पेपर ऐसा है जो प्रोफेशनल लेवल में एक पेपर है ना, प्रोफेशनल लेवल जो आती उसमें एक पेपर है जिसका नाम है STL स्ट्रेटजी बिजनेस लीडर। ये पेपर है, अगर कभी कोई मुझे बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा होता ना कि हमारे पास ये यूनिवर्सिटी मना, मैं बस ये पेपर उसके सामने रख देता हूँ। ये एक क्वेश्चन आता है इस पेपर में, एक क्वेश्चन आता है अराउंड 4 आवर्स का, केस स्टडी आता है रियल लाइफ का, बिजनेस का केस स्टडी आता है। और वो नॉर्मली कैसे आता है, दुनिया में साल कोई इवेंट हुआ है ना उसमें से उठा के वो देता है, जो दुनिया में हो रहा है उस पर देता है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, एक कंपनी है उसका नाम है Airbnb। अच्छा पहले हम यहाँ रुकेंगे, कोई तनकीद नहीं है, मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं मुझे हैंड रेस करके बताएं जिसको इस कंपनी के बारे में पता है, Airbnb? हाँ, इसी ट्रैवलिंग करता है किसको पता है? विधि हमारे खुद भी काम है करा चाहिए, समझ गया। और कितने लोगों को पता है? देखिए बहुत ज्यादा लोग पता है वैसे तो, हाँ हार्डली यहाँ 5 लोगों को पता है, यहाँ 5। अच्छा ये भी वो लोग हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली या तो ट्रैवलिंग करते होंगे, या ये वो लोग होंगे जिनकी पढ़ने की आदत होगी, जो मूवीज से हटके ज्यादा टाइम एजुकेशन पे देते होंगे। ग्राउंड तो खुला है ना, जो पढ़ना है पढ़ लो भाई, कोई एक घंटा है मूवी भी देख लेता है, कोई कोई उसको पढ़ लेता है। अच्छा ये तो मैंने अभी उन बच्चों से पूछा जो छोटे हो आप लोग, आप लोग अभी ACCA स्टार्ट भी नहीं किया ना। एक बार ऐसा हुआ था, ये जो ये इस Airbnb पे पूरा केस स्टडी आया था, 4 घंटे का केस स्टडी आया था हमारे इस पेपर में, और वो इस पेपर में आया था प्रोफेशनल लेवल में, जिसका नाम है STL। पेपर का नाम क्या है? अच्छा इस STL के साथ एक और पेपर है SBR जो मैं खुद पढ़ाता हूँ, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो सोच लें ये प्रोफेशनल लेवल का बच्चा बड़ा एटीट्यूड वाला बच्चा होता है, यानी अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट मानता है। जो बंदा यहाँ पहुंच गया वो अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट मानता है, आप नहीं समझे, यानी वो ये समझ लो जैसे उम्र क्या है कभी आप लोगों ने, तो वो व्हाइट टाइल जब शुरू होती है तो देखिए धड़कन तेज हो जाती है ना यार, अब तो बस दरवाजा खुलेगा और सामने काबर है। तो ये प्रोफेशनल लेवल का बच्चा वो होता है जो बस समझ लो व्हाइट टाइल से चल रहा है, इसी से के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा है यार, आप नहीं समझे। तो वो अपने आपको उसका एटीट्यूड ये होगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीधी सी बात है। तो एक बार SBR की क्लास में मैंने फुल क्लास से ये लिख के पूछा, क्योंकि SBL के पेपर में आया था ये, उनके साथ वाला पेपर है, उस क्लास में इससे भी कम बच्चों ने कहा हमें पता है। आप लोगों में तो 5-6 लोगों ने बोला, एक बच्चे ने बोला हमें पता है, यानी बच्चों की रीडिंग स्किल्स कितनी कम है कि वो इस लेवल पे आकर भी इसका मतलब नहीं जानते। अब मैं आपको एक मिनट में समझा देता हूँ, सुनिए। Airbnb होटल इंडस्ट्री का करीम और उबर है, जिस तरह उबर और करीम ने आके टैक्सी के साथ कैसा किया, खत्म कर दिया ना टैक्सी इंडस्ट्री को, बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया, इसने भी वही ये भी वही काम कर रहा है। सर क्या मतलब, उबर और करीम के जरिए हर आम आदमी गाड़ी टैक्सी बन सकती है, एक ऐप डाउनलोड करो और टैक्सी बना दो। अब ये हर आम आदमी के घर को होटल बना सकता है, मिसाल जैसे इस वक्त इस बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है इसमें इनको पता लग गया मैनेजमेंट को हमारे 4 रूम खाली रहते हैं, ऑन एवरेज 4 रूम खाली रहते हैं, इन्होंने बस Airbnb के ऐप पे ये 4 रूम अपलोड किए। अब एक बंदा लाहौर से आ रहा है, उसको एक रात के लिए वो रूम चाहिए, वो इनसे कॉन्टेक्ट करेगा, इनके बीच में रूम रेट डिसाइड होगा, करीब 20% या 30% आप Airbnb को दे दोगे बाकी आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये सोचें, कराची का हर घर होटल बन सकता है, तो ये कितना खतरनाक बात है होटल इंडस्ट्री के लिए, मैरियट शेरेटन इन सब के लिए कितनी खतरनाक बात हो गई, किसी के लिए कि हर घर होटल बन गया, तो कितना बड़ा कॉम्पिटिशन हो सकता है सोचें। तो इस पर पूरा केस स्टडी आया था, इस पर केस स्टडी आया था कि आप होटल इंडस्ट्री को इस रिस्क से कैसे टकराना है, इस रिस्क को कैसे ओवरकम करना है, इस पर रियल स्टडी आया था। तो आप जरा जहन बनाएं कि ACCA आपको लोकल लेवल पर रेडी किस पे कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे, और ग्लोबल की ही नीड है। अब मैं यहां से आप आखिरी बात करता हूं, अब एडमिट बच्चे ने कहा भाई आपने टॉप तो बॉटम आपने जितनी बातें की वो सारी की सारी बातें ACCA के बारे में की, आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, आप आए क्यों भाई?
मैंने कहा मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं अपने बारे में पता है गलत चले जाऊंगा, ऐसे इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ। बहरहाल इस आर्टिस्ट का नाम है मुस्तफा अहमद मिर्चावाला एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 18-20 इयर्स, 18-20 साल हो गए मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे अपने जो पेपर्स हैं उसमें मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ हर लेवल की, बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस, इवन मैं ICW की कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ाता हूँ, साथ में टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, UK टैक्स भी मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मेरा एक काम पहले था, मैंने मसरूफियात बढ़ने की वजह से कट डाउन कर दिया, वो है कॉर्पोरेट ट्रेडिंग। कई बार प्रोफेशनल्स को मैं ट्रेनिंग ही देता था डिफरेंट कंपनीज के CFOs वगैरह को, जैसे मैंने एक कंपनी में ये ट्रेनिंग दी थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा TRG ग्रुप ऑफ कंपनीज के CFOs वगैरह को हम लोगों ने ट्रेन किया था। तो ये एक जर्नी रहा है। अच्छा, हमारे जो इदारे का नाम है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं आया हूँ, दैट इज मिर्चावाला साहब ऑफ अकाउंटेंसी, यहाँ फैमिली नेम है मिर्चावाला, नेम रूम में सर नेम होता है, उसी नाम से लोग हमें जानते थे, तो इंस्टीट्यूट का नाम भी फिर यही रखा गया। सर, ये इंस्टीट्यूट क्यों बना था, मैं कुछ रीजन आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहली चीज थी फैकल्टी। सबसे पहली चीज क्या थी, देखिए 2009 में ये इदारा बना था और 2009 से पहले जो स्टार फैकल्टी थी ना ICSE की, वो डिस्पर्स हुई हुई थी मार्केट में। तो बच्चों के लिए बहुत इश्यूज होते थे कि बच्चा एक पेपर यहाँ से पढ़ रहा है, वहाँ से पढ़ रहा है, उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, 2009 में ऑनलाइन नहीं था। तो हम लोगों ने जब ये इदारा फॉर्म किया तो हमने एक ही ऐसा छत बना दी, एक रूम ऐसी बनाई कि जिसके नीचे सारे स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं, और ये चीज़ आप रिसर्च कर सकते हैं, आप ये एक क्लिक पे आपको रिसर्च मिल जाएगी, राइट। तो पहली चीज़ हो गई फैकल्टी, और यही फैकल्टी की वजह से हमारी जो डिफरेंट पोजीशंस हैं, यानी इस वक्त हमारे पास एक साल की मैं बात कर रहा हूँ सर, जैसे 2021 में हमारे इदारे से 37 पोजीशंस आई थी, जिसमें ग्लोबल पोजीशंस भी थी, लोकल पोजीशंस भी थी, इवन आयरलैंड जैसे मुल्क में भी हमारी पोजीशन आई, जबकि आयरलैंड में एप्पल कंपनी के 5,000 एम्प्लॉयज हैं। आयरलैंड इतना डेवलप्ड जगह है कि वहाँ एप्पल कंपनी ने 5,000 बंदा हायर किया हुआ है, US की जो एप्पल कंपनी है। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन आई हमारे स्टूडेंट्स की, तो दुनिया भर में ये रूटीन चल रहा है। एक चीज तो ये हो गई। सेकंड, इस इदारे को बनाने का दूसरा मकसद ये था कि बच्चों को प्रूव किया जाए, ये बात बहुत अहम कर रहा हूँ। देखिए, ACCA की टेक्निकल नॉलेज ऐसी है, इधर देख लें, कि यहाँ के जो ड्रॉप आउट्स होते हैं ना, वो यहाँ जाके पढ़ा रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के ड्रॉप आउट्स ए लेवल्स के मार्केट के लीडर बने हुए होते हैं, ए लेवल्स की मार्केट पूरी लीड करके खड़े हो जाते हैं, जो यहाँ के फेलियर्स होते हैं, यानी टेक्निकल नॉलेज ऐसी होती है। लेकिन ACCA में एक बुराई भी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ACCA, ICW, ICAM सब में एक बुराई रही है कि इसमें बच्चों की सोशल लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, यानी बच्चा मशीन की तरह पढ़ रहा होता है, पढ़ा पेपर दिया। जब वो पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलता था ना, तो उसके अंदर इतनी स्किल नहीं होती थी कि आप उसको बोर्ड पे लाएंगे यहाँ स्टेट पे, तो काम रहा होता था। तो अब आज के दौर में ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई नीड, नहीं है भाई। इस वक्त पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पूरा पैकेज है, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स भी हों, इंटरव्यूइंग स्किल्स भी हों, ये सारी चीज़ें अब चीज़ें होना जरूरी है। तो जब से हमने इदारा फॉर्म किया 2009 से, और सुनिएगा, तो हमने डे वन से ये रूटीन सेशन हम कराते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं। दुनिया में कोई इवेंट होता है, जैसे दुनिया में आपको याद होगा 2016 में ब्रेक्सिट हुआ था, UK एग्जिट कर गया था, UK यूरोप से हट गया था, तो इस पर हमने उसी वक्त सेशन कराया था। दुनिया में ऑयल प्राइस बढ़ती है, हम उस पर रूटीन बात करते हैं। दुनिया में कोई स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, हम उस पर बात करते हैं। जो भी चेंज गोल्ड मार्केट में कोई चेंज आता है, हम उस पर बात करते हैं। तो ये रूटीन हमारा चल रहा था। बल्कि मैं सिर्फ, और सुनिएगा, मैं सिर्फ अपने इदारे में काम नहीं करते हम लोग, मैं ITI जैसी जगह पे जाके ये सब सेशन कराता हूँ। मैंने KUDS में ये सेशन कराया, मैंने NET में जाके ये सेशन कराया। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से, अगर हम इंशाल्लाह प्लान करेंगे कि हमारा एक सेशन होता है स्टॉक एक्सचेंज का सेशन, वो मैं खुद कराता हूँ, तो मैं कभी आके आप सबको एक पूरा ग्रैंड सेशन दूंगा, उसमें बड़ा बहुत सीखने का होता है, तो वो इस तरह के सेटअप भी करेंगे। तो हमारे इदारे में ये रूटीन सेशन होते हैं, बच्चों को ये चीज़ों से अपग्रेड किया जाता है। तो बच्चे ने कहा, सर इसकी क्या जरूरत है इंटरव्यूइंग और ये सब? मैंने कहा ये नीड है। मैंने कहा एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। अच्छा, मैं मिसाल थोड़ी एडवांस लेवल की दे रहा हूँ, करीब ये 5-6 साल पुराना किस्सा, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। एक ICAM के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट, बच्चा नहीं, कंप्लीट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है, उनको एक जगह से इंटरव्यू कॉल आई। अच्छा, जो इंटरव्यूअर थी ना वो खातून थी, तो उस खातून ने अपने आप को यूं इंट्रोड्यूस किया कि आई एम जस्ट बीकॉम, यानी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले खातून ने क्या बोला, आई एम जस्ट, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट तो चौड़ा हो गया इसमें। अच्छा, अब आधे घंटे का इंटरव्यू चला, डिस्कशन, आधे घंटे बाद उस खातून ने कहा कि सॉरी यू आर रिजेक्टेड। तो उसने कहा, भाई मैंने तो सारे सवाल आपके जवाब दिए। उसने कहा, पहले पूरी बात तो सुन लो। बोला, पहली बात तो ये कि मैं बीकॉम नहीं हूँ, आई एम PhD, आपसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ। और अगला मसला क्या है कि हम जिस डिपार्टमेंट का आपको हेड बनाने जा रहे थे ना,
उस डिपार्टमेंट में 80% जो आवाम है जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो बीकॉम क्वालिफाइड हैं, और मैंने ये देखा है कि आपका रवैया बीकॉम वालों के साथ बिल्कुल मुनासिब, छोटी छोटी बातों से बंदे को पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी बातों से पकड़ लेते हैं। तो इस वक्त जैसे मैंने आपको इतने सारे मीन से सुनाया, सिर्फ एजुकेशन नहीं है ये बात मान लीजिए, कुछ परसेंटेज है, बाकी आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी है, इसमें ड्रेसिंग सेंस बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है ड्रेसिंग सेंस। ये पूरी अभी मैं बात नहीं करना चाहता वरना एक घंटा और निकल जाएगा। इसी तरह इसमें एक और चीज है डाइनिंग एटिकेट्स, चलेगा ये आप कहां से ये क्या ले आए, खाना पीना तो सबको होता है। मैंने कहा मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, अगर इंसान जंगल में पैदा हो जाए तो ऐसी मशीनें खुद भूख लगती है खाएगा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उस फॉर्मल डिनर की बात कर रहा हूँ जो आपने कॉर्पोरेट लेवल पे करना है, जिसमें हर चीज का एक एक स्टेप, एक एक स्टेप का रूल है। बच्चे ने कहा क्या बात कर रहा हूँ, मैंने कहा एक मिनट समझाता हूँ। देखिए आप जब अपना ये प्रोफेशनल सफर शुरू करेंगे ना, तो आप जब पहली बार जॉब पे लगेंगे आपको सुने तो आपका नाम होगा ट्रेनी, और ट्रेनी बच्चा होता है, ट्रेनी ने एटीट्यूड नहीं दिखाना होगा, सैलरी भी कम होती है और स्टेटस भी कम होता है ट्रेनी, क्योंकि उस टाइम कंपनी आप पे एहसान कर रही होती है। कंपनी आप एक बात टीचिंग में सोचे ना, एक जब नया टीचर या जिसको असिस्टेंट टीचर होते हैं वो कभी बड़ी सैलरी डिमांड, उस पे ऑर्गेनाइजेशन एहसान कर रही होती है कि उसके सामने स्टूडेंट्स को लाकर बैठा बिठा दिया गया ऐसा ही है। तो ट्रेनी सबसे पहला आप ज्वाइन करेंगे ऐसे ट्रेनी, फिर एक दो साल बाद आप असिस्टेंट असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एंड में सीएफओ बनेंगे, वो आपकी पीक है। और सीएफओ की कई बार सैलरी से अगर अच्छा इदारा हो तो वो सेवन डिजिट्स में भी होती है, वो अलग लेवल होता है। अब जरा एक बात सुनो, आज मैं एक बड़ी कंपनी और मैं एक सीएफओ को हायर कर रहा हूँ इतनी बड़ी सैलरी पे, तो क्या मैं उसको पूरी तरह चेक नहीं करूंगा, क्या मैं उसके अंदर ये नहीं चेक करूंगा कि इसके अंदर डाइनिंग एटिकेट्स हैं या नहीं। जब वो मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करने दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाएगा तो उसको डाइनिंग एटिकेट्स और ये सब आने चाहिए नहीं आने चाहिए, नहीं समझ रहे बात। मैं एक और मिसाल देता हूँ सुनो, तीन साल पहले की बात है, तकरीबन चार साल, तीन से चार साल, मेरा एक दूर का रिलेटिव है जो ह्यूस्टन में रहता है एंड ही इज पीएचडी पीएचडी यहाँ, हम लोग उनके घर गए तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बताई, बोला यहाँ मेरे ह्यूस्टन में इंटरव्यू था और बोला मुझे सुबह 6 बजे बुलाया, सुबह 6 से शाम 6 तक का इंटरव्यू। मैंने कहा ये कैसे, तो बोला 12 घंटे का इंटरव्यू था, लेकिन असल में उन्होंने उस 12 घंटे के इंटरव्यू में 3 मील्स खिलाए, ब्रेकफास्ट भी कराया, लंच भी कराया और डिनर भी। बोला कैमरा लगा हुआ था चेक कर रहे थे कि डाइनिंग एटिकेट्स आते हैं या नहीं आते। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से सिखाने के लिए, सिखाने के लिए लेट अस से हम लोग एक फॉर्मल डिनर कर रहे हैं, फॉर्मल डिनर हमारा हो रहा है और मैंने आपसे मेरा सवाल है आप जवाब देंगे, गलत भी हो जाए तो क्या होगा, पेपर थोड़ी दे दो। मैंने कहा कैन यू प्लीज पास दैट सॉल्ट, आप क्या करोगे सॉल्ट उठा के दोगे, एक्सेलेंट, आप क्या करोगे सॉल्ट उठा के दे दोगे। आपका नाम क्या है, ये यूज मोहम्मद आर, आप क्या करोगे कैन यू प्लीज पास द सॉल्ट, सॉल्ट उठा के दे दोगे। वैसे मैंने भी पहली बार भी यही बोला था, लेकिन अगर if somebody asks you to give you salt, always, always, always in return give salt and pepper. क्या देना? Salt and because internationally salt and pepper are merit. ये statement बोली जाती है. Salt and pepper are बच्चे ने कहा दलील, दलील को कभी किसी five star या किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ trained staff हो, waiter को बोले salt लेकर आएं, देख लेना क्या लेकर आता है. लाजमी वो salt and pepper लेकर आए. छोटी सी बात है यार, इतनी सी देर में पकड़ लेते हैं. ऐसे तो कितनी चीजें हैं। इसी तरह मैं एक और मिसाल देके बस अब मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मैंने बहुत आप लोगों को पका दिया सॉरी। हम ये मैं एग्जांपल एयरलाइन के लिए दे रहा हूँ क्योंकि एयरलाइन में लाजमी ये फूड होता है, ये फूड एयरलाइन में लाजमी होता है। आप एयर ट्रेवल करते हैं तो वहाँ फूड में वो ब्रेड और बटर लाजमी देते हैं, बन देते हैं और बटर, ये लाजमी, बाकी चीजें भी देते हैं, ये चीज नॉर्मल ही होती है। अब क्या होता है, हम लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग कैसे खाते हैं, पहले उस ब्रेड को उठा के उसको बीच में से सर तलम करते हैं उसका और फिर उस पे बटर लगा के खाते हैं। लेकिन उस जो डाइनिंग एटिकेट्स है उसके अगेंस्ट है, उसमें क्या है कि आपने पहले थोड़ी सी ब्रेड कट करनी है, फिर थोड़ा सा बटर लेके फर्स्ट बाइट, फिर ब्रेड कट करके फिर थोड़ी सी बटर लेके सकती है। ये पूरा ये पूरी स्टडी है अभी इसमें, ये पूरा इसमें कई घंटे के सेशन होते हैं, कई घंटे के। तो दैट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ कंप्लीट पैकेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर। अच्छा मैंने एक घंटा बात कर ली, कितनी बात हो गया, एक घंटा हो गया, सॉरी। तो बहरहाल इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है, बहुत
बहुत कुछ है, तो मैं अपनी टीम से, हमारे पास कुछ हमारे वो है क्या कहते हैं, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैं इन्होंने मुझे इनवाइट किया था तो मैं तो सुबह उठ के आ जाता हूँ, मेरा रूटीन है। तो बहरहाल कुछ हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आप लोग तो सबके लिए तो अवेलेबल नहीं होगा, बाकी इसमें हमारी डिटेल्स भी है, आप लोग आना चाहें तो हमारे इदारे को विजिट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी नीचे ऑफिस में ये कहा कि हेरा फाउंडेशन एक ऐसा काम कर रहा है, बहुत बड़ी सर्विस दे रहा है इस वक्त, तो हम चाहते हैं कि हम भी इनके साथ जो ये खैर का काम करें, खैर का ही काम ही है, तो उसमें हम भी इसको सपोर्ट, इनको सपोर्ट करें, यानी हम तो ऐसा सेटअप भी अरेंजमेंट करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हेरा फाउंडेशन की तरफ से आएंगे तो हम उनके साथ एक स्कॉलरशिप अरेंजमेंट भी करेंगे, राइट। चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।